नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। देश के 17वें लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैशटैग विजय भारत के साथ किया गया ट्वीट इस साल के सबसे लोकप्रिय ट्वीट्स में से रहा। वहीं तमाम हैशटैग्स भी यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय रहे। जैसे कि हम आपको बता दें, हैशटैग CWC19, हैशटैग चंद्रयान 2, हैशटैग लोकसभा इलेक्शन 2019, हैशटैग आर्टिकल 370, हैशटैग अयोध्या वर्डिक्ट। इन ट्वीट्स पर यूजर्स के बीच कन्वर्सेशन और पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा रहा। ट्विटर पर एंटरटेनमेंट के अलावा खेल की दुनिया की भी अच्छी धमक रहती है। नतीजा, जब विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बधाई दी तो वो ट्वीट साल का सबसे ज़्यादा बार रीट्वीट होने वाला ट्वीट रहा। आपको बताते हैं गोल्डन ट्वीट क्या होता है। गोल्डन ट्वीट वो होता है जिसपे सबसे ज़्यादा लाइक या रीट्वीट हुए हों। चलिए आपको बताते हैं राजनीति में गोल्डन ट्वीट कौन सा रहा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय पीएम मोदी ने विजय ट्वीट को 1.2 लाख लोगों ने रीट्वीट किया, जबकि 4.2 लाख लोगों ने इसे लाइक किया। वहीं अगर हम बात करें खेल जगत की, तो अपने बड़े भाई और कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी के 38वें जन्मदिन पर विराट कोहली ने उन्हें ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आप हमारे बड़े भाई हैं और मेरे कप्तान हमेशा रहेंगे। इसे 45,000 लोगों ने लाइक किया और 4.12 लाख लोगों ने रीट्वीट किया। वहीं अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट जगत की, अभिनेता विजय की फिल्म बिगिल 25 अक्टूबर को रिलीज हुई। इससे पहले विजय ने फिल्म का पोस्टर ट्वीट किया था। इसे 99,000 लोगों ने रीट्वीट किया और 2.14 लाख लोगों ने लाइक किया। वहीं अगर हम बात करें 2019 के टॉप 5 हैशटैग्स की, जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ट्वीट्स में हुआ, वो हैं लोकसभा इलेक्शन 2019, 17वीं लोकसभा का चुनाव चर्चा का विषय रहा दुनिया भर में। वहीं अगर बात करें CWC, 12वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 5वीं बार इंग्लैंड और वेल्स में कराया गया है, ये भी एक चर्चा का विषय रहा था विश्व भर में। इसके अलावा आता है चंद्रयान 2। इसरो के चंद्रयान मिशन 2 ने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया था। चौथे स्थान पर आता है पुलवामा। 14 फरवरी को CRPF काफिले पर आतंकी हमला दुनिया भर में छाया रहा था। और आखिर में आता है धारा 370, जो कि जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 खत्म हुई तो ये बहस का मुद्दा रहा। तो यही सब अहम मुद्दों के बीच में हमारा 2019 निकला। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।